हेलो भाइयों, मैं हूं आकाश पवार और फिर से मैं अपनी अपाचे के साथ में आ गया हूं आप सब के सामने वीडियो बनाकर। तो इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं इस मोटरसाइकिल की माइलेज के। भाई इसकी जो कंपनी क्लेम करती है ना, वो कंपनी क्लेम कर देती है इसकी 45 से 50 की माइलेज, पर भाई मेरे को इसको चलाते चलाते कई महीने हो चुके हैं और इस बाइक ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है भाई साहब माइलेज के। चार महीने लगभग। हाँ, 20 मार्च को मैंने ये बाइक ली थी और इस बाइक ने भाई साहब मतलब एवरेज ही नहीं दे रही बिल्कुल भी, माइलेज ही ना यार। तो 500 रुपए का टेस्ट करेंगे माइलेज। हाँ, हम आज इसका भाई साहब आपको ना माइलेज टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये एक्चुअल में माइलेज देती कितनी है। ये है आपकी अपाचे 164V स्पेशल एडिशन। ये कलर जो है ये बहुत यूनिक है, ज़्यादा रोड पे दिखती नहीं होगी आपको ये। तो ये 164V अपनी ये बाइक है और इसके अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं है। देखो ये बाइक में मैं कितने का ही तेल डलवा लूँ, ये हफ्ते भर में भाई साहब फिर से ये इसमें ये वाला साइन आ जाता है कि भाई तेरी बाइक जो है वो लग गई है रिजर्व में। रिजर्व में भी मैंने इसको 81 किलोमीटर चला दिया है। तो अभी हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, तो मैंने कहा यार गाड़ी से क्या ही चलें, आज बाइक से चल के देखते हैं। क्या पता इसका इंजन ना खुला और ये ज़्यादा इसकी चली ना, इस वजह से ये माइलेज ना दे रही हो, क्या रीज़न हो सकता है यार। अब इसका रीजन वीजन कुछ ना यार, ये सब मोटरसाइकिल इतने का ही एवरेज देती है। तो यार ये तो 20-25 का ही दे रही है बस। चलना टेस्ट करके देखते हैं। हाँ यार, यार मेरे को ये चेक करना है भाई, ये बिल्कुल भी माइलेज ना यार, दिमाग खराब कर रखा है। चलो अभी चलते हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप गर्मी कितनी भयंकर है यार, कौन कह देगा कि 2-3 दिन पहले बारिश हुई है। 2-3 दिन पहले, कल ही हुई है बारिश, मतलब कल तो चलो झरना चला था, 2-3 दिन पहले तो झिकाई की बारिश हुई है। अभी भाई इसमें ना मैंने बोला फुल करने के लिए, तो इसमें आज ना ये और देख लेंगे कि इसका टैंक में कितने रुपए का तेल आ जाएगा फुल। इसको लो, कट तो लग गया, और बढ़ गया भाई ऊपर तक, बढ़ गया बिल्कुल ही। आज मैं रिच हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा रिच, जो मैं पूरा ऊपर तक भरवा दे रहा हूँ। बस 1100 रुपये। चल बस हो गया, देखिए फुल हो गया। हो गया। देखो गाइस, ये मैंने इसको फुल करा लिया, 1110 इसमें लीटर आ गया, 11.4 लीटर। चल भाई अब पेमेंट कर दे, फोन पे हो जाएगा। अरे मैं कर दूंगा, रुक जा भाई। मैं आपको एक किलोमीटर दिखाने तो भूल ही गया यार, कि मैं अभी 5 किलोमीटर चल के आ गया हूँ और अब मेरे याद आया है कि ओहो ये तो मैं दिखाना ही भूल गया। तो अभी मैं 5 किलोमीटर चल लिया, 805 किलोमीटर था जब मैंने स्टार्ट किया ये पेट्रोल डलवा के, तो अभी 810.7 हो गया है और अभी हम लोग जाएंगे KMP से। ये दिख रहा है आपको? तो गाइस ये है KMP, अब देर को भी दिख रहा है, इसको भी दिख रहा है। तो भाई हम लोग अभी बाइक पे ना दो जने रहेंगे, जैसे मेजरली दो लोग ही होते हैं ना। हेलमेट दिखा दे, अबे हेलमेट भी मैंने अभी हेलमेट को उतारा है, हेलमेट है भाई हमारे पास में, कभी बोलने लगे कि हेलमेट नहीं पहना आपने तो इसलिए हम दिखा दे रहे हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं रेवाड़ी घूमने के लिए और बाइक से ही, तो निकलते हैं फिर। और मेरी बाइक में भाई देखिए, इसको ना आदत नहीं है ना फुल टंकी की, तो इतना धीरे 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 इसने 5 मिनट में जाके तो इसके सेंसर ने सेंस किया कि ओ माय गॉड तेरी टंकी फुल हो गई है और मेरे को ये अपडेट भी करना है। एक तो गर्मी में हेलमेट लगाने का इतना ज़्यादा वो है ना परेशानी, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। और देखो ये कैसे शर्मा रहा है, इसको शर्मा क्यों रही हो तुम? मैं क्या शर्मा रहा हूं? हैं, मुझे हेलमेट में देख के शर्म आ रही है। देखो गाइस ये आपको ना नॉलेज नहीं देने दे रहा है, मैं आपको नॉलेज ज्ञान देना चाहता हूँ, ये देने नहीं दे रहा। चल, मैंने वाइसर बंद कर लिया। हाँ चल, कहीं छाए में खड़े होके ज्ञान दियो। चल चल। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका करियर ग्रो नहीं हो रहा है, या कभी ऐसा लगा हो कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप खुश नहीं हैं और बदलना मुश्किल है, या फिर आप फ्रेशर हैं जिनको लीडिंग कंपनी में जॉब मिलना एक बहुत ऊंचा सपना लग रहा है? इन सब इश्यूज का सॉल्यूशन है रीलेवल बाय अनअकैडमी। यकीन नहीं हो, देखिए पोला तेज शरण को जिसे कॉर्पोरेट में बेहतरीन जॉब चाहिए था, रीलेवल का एग्जाम देके आज ये नोवा बेनिफिट्स में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का जॉब ले चुके हैं, वो भी 77% सैलरी हाइक के साथ। फिर हैं वत्सल शर्मा जिसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते कंप्यूटर कोडिंग से प्यार हो गया और अब रीलेवल की हेल्प के साथ में विंग 5 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इवन दो डिग्री मैकेनिकल में ही है। और ये है सैयद मैसी अब्बास जिन्होंने अपने लोकल कॉलेज से ही IITian लेवल का जॉब लिया, आज वो रीलेवल से जॉब लेके ब्लू स्टैक्स के डेवलपमेंट टीम में टेक्निकल स्टाफ है। ये सारे कैंडिडेट्स भी कल तक आपकी तरह अच्छा जॉब्स लेना चाहते थे और इन्होंने ये कर दिखाया। रीलेवल देता है आपको अपने स्किल्स के मुकाम पर इंडिया के लीडिंग कंपनीज में जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी, एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड की जरूरत नहीं। रीलेवल से टोटल 60 करोड़ से ज्यादा वर्थ के जॉब्स डिलीवर हुए हैं, लास्ट मंथ ही 300+ ऑफर्स रिलीज हुए हैं, ये आज सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म में से सबसे ज्यादा है। एंड इनमें से बहुत से कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स भी दिख जाएंगे आपको अक्रॉस इंडिया। और तो ये टेस्ट फ्री है, आप कितनी बार भी बुक करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ये टेस्ट खुद ही प्लेसमेंट के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस है। सबसे मस्त बात
अगर आप टॉप 3 स्कोरर्स बन जाते हो तो आप जीत सकते हो अमेजिंग एप्पल गुडीज जैसे मैकबुक, आईफोन एंड एप्पल वॉच। कुछ दिनों पहले ही रीलेवल ने एक नया टेस्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है फॉर कंटेंट राइटिंग। इसका मतलब अब आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मेनी मोर। रीलेवल आपकी भी लाइफ बदल सकता है जैसे तेज वत्सल और सैयद की बदली है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना टेस्ट स्लॉट बुक करो जल्दी। देखो भाई सावधानी हटी दुर्घटना लेकर गया है ये इसे बनी ना वीडियो जूम के चक्कर में चालू करने दो चालू ही है भाई क्या था ये चला है यार क्या था पूरा डिवाइडर के बीचों बीच चढ़ा दिया उसने डिवाइडर के बीचों बीच कहाँ से कहाँ रे भाई हम तो ऑलरेडी दो हैं अरे ब्रो कहाँ बैठोगे आप हमारी बाइक ट्रक वाले को कह रहा है वो सॉरी तो भाई अभी ये तो गलत रोड आ गया मतलब थोड़ा सा बेंड आ गया इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कम कर लिया स्पीड को बाकी मैं जो है 70 पे चला रहा हूँ अपनी बाइक को 70 पे अब इसमें क्रूज का बटन तो है नहीं जो मैं क्रूज लगा दूँ बाइक में भी क्रूज का बटन आना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए बाइक वाले भी पैसे दे रहे हैं सुन लो कंपनियों और ये बैंड है थोड़ा सा इस वजह से मैंने यहाँ पे स्लो करनी बिकॉज हमको स्लो ही चलानी चाहिए अपनी बाइक भाई अभी जाते जाते हमको तो एक घंटा हो गया चलते चलते अभी लग जाए बहुत तेज भूख और हमने अपनी बाइक को रोक दिया ये है जयपुर हाईवे आपका अभी हम 15-20 मिनट पहले जयपुर हाईवे पे मुड़ गए और इस पे तो आपको पता ही है ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं ओल्ड राव होटल पे हाथ पैर धो के पैर तो क्या धोएंगे क्योंकि जूते पहन रखे हैं तो हाथ ही धोने पड़ेंगे भाई यहाँ पे हमने मंगा ली थाली और ये देखिए ये क्या कर रहा है भाई मेरे को नहीं चाहिए ये वाली रोटी लेना ट्राई कर ले तो भाई ये आप क्या चोरी सी क्या कर रहे थे अभी निकाल निकाल के चोरी सी क्या मुझे सामने से रखा भाई रायते में दही तो है ही ना भाई बूंदी बूंदी भर रखी है इसमें तो हैं चलो खा के देखते हैं बाकी कैसा होता है भाई अबे कैसा खाना था बहुत बेकार है मतलब क्या था यार मतलब रोटी ऐसे पापड़ जैसी एकदम मतलब है तो खाया ना भाई हमने ना खाया एक भी रोटी आगे छोड़ के आधी रोटी ने से छोड़ता है पत्थर रोटी जैसे ही ओल्ड राव ये बहुत फेमस सा है पता नहीं हम किसी तो गलत ओल्ड राव पे रुक गए क्या बस फेमस ही है और कुछ ना है तो भाई हम तो रेवाड़ी भी निकल लिए रेवाड़ी में जो काम था वो काम अपना हो गया तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है निकल लिए यहाँ से काम करके अपना फटाफट से 1.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में खाना पीना सब चीज़ों के समेत में अब मैंने दे दिया मैं तो चलाने के लिए कि भाई ना वो कम्फर्टेबल ही ना यार बिल्कुल भी ना तो अगली सीट कम्फर्टेबल है ना पीछे वाली कम्फर्टेबल है पीछे वाली पे भी दर्द होने लगे आगे वाली पे भी दर्द होने लगे पीछे यार सीटिंग पोजीशन भी खास नहीं है इस बाइक की हम फिर से आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और अपनी जो बाइक है वो एग्जैक्ट चल गई है 905 यानी कि 100 किलोमीटर अपनी बाइक पूरी चल गई है अभी यहाँ पे फ्यूल दोबारा से फुल कराते हैं इसके अंदर पेट्रोल अभी देखते हैं इसमें कितने का तेल और आता है अभी तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो इसमें कट लग गया है फुल कर दो यहाँ पे हो रहा है अपना फुल पहले जितना ही करा लेंगे इसको तो यहाँ पे आया है अपना 160 रुपये का 1.66 लीटर हाँ भाई अभी अब अपने फोन में इसकी माइलेज करेगा करो भाई साहब तो ये 100 किलोमीटर चली है ये 1.66 लीटर में ये देखो ओ भाई साहब पर ये है ना हाईवे आए हैं बस हाईवे आए हैं पर ये माइलेज थोड़ी ना होती है भाई बाइक्स की बाइक्स की यही माइलेज होती है भाई डिस्कवर प्लेटिना CT100 वो थोड़ी है अपाचे है मार्केट में कहीं ना गए हाँ एकदम हाईवे पे आए हैं भाई देखो ऑन हाईवे तो इसकी माइलेज ये है बाकी सिटी का तो भाई पता नहीं सिटी में ही कम देती है क्या ये लोकल में जैसे चलाते हैं ना गांव में उधर कम है इसकी माइलेज भाई मैं तो शौक हो गया 60 की माइलेज हम इसको मतलब ओवर स्पीड भी ना चलाए 70-75 मैक्सिमम 80 चलाए हैं हाँ हाँ वही स्पीड जो है एक जेन्युइन स्पीड होती है उसी स्पीड पे हम इसको चलाए हैं बिल्कुल ही इसलिए माइलेज निकल गया शॉकिंग भाई साहब बिल्कुल शॉकिंग अरे यार इंडियन ऑयल ने अच्छा पेट्रोल देना शुरू कर दिया है यार हद कर दी यार
चलो भाई अब यही माइलेज थी, मैं तो सोचता था इसकी 20 की माइलेज है और मैं लोकल में चलाता था। शौक हो गया है। बुरा वाला शौक भाई साहब। तो देखा भाइयों आपने क्या माइलेज है टीवीएस अपाचे की, जो इसको बदनाम करते रहते हैं मेरे जैसे लोग की माइलेज नहीं देती, माइलेज नहीं देती, साइट की माइलेज देती है ये। ठीक है आगे से मत बोलना इसके बारे में कुछ भी। सो वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।